धनबाद में सब कुछ काला होता जा रहा है। कोयले की कालिख से खादी से लेकर खाकी तक हर जगह कालिख चमती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये धनबाद की आम जनता कह रही है। दरअसल मामला ही चौंकाने वाला आया है। धनबाद में कोयले की चोरी हो रही है, यह पूरे झारखंड के लिए कोई नया बात नहीं है। पूरा झारखंड इस बात को जानता है, झारखंड की जनता इस बात को जानती है कि धनबाद में इन दिनों कोयला चोर, कोयला माफिया हावी हो गए हैं सरकार पर। उनका अपना कानून चलता है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है, वो हैरतअंगेज है। जी हां, धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में वेस्ट मोदीडी इलाके में कोयला चोरों, कोयला तस्करों ने, कोयला माफियाओं ने सरेआम महिलाओं की पिटाई कर दी है। और मामले को लेकर जब महिलाएं पुलिस थाने जाती हैं, शिकायत दर्ज कराने जाती हैं, तो कोई उनकी सुनने वाला नहीं। अवैध कोयला कारोबारियों की ये हिम्मत कहां से आ रही है? आखिर कौन पर्दे के पीछे वह सफेदपोश है जिसका पूरा गिरेबान कालिख से काला हो चुका है? यह तो जांच का विषय है। सरकार, विभाग और अब तो लगता है कि ईडी भी इसकी जांच करने को सक्रिय होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7, मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं धनबाद की। धनबाद में महिलाओं की पिटाई की गई है। जी हां, उन महिलाओं की पिटाई की गई है जिन्होंने कोयला चोरी का विरोध किया। दरअसल तेतुलमारी थाना क्षेत्र के एक इलाके में अवैध तरीके से कोयले का डिपो संचालित किया जा रहा है, माइंस डिपो संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। जब विरोध हुआ तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट भी इस तरीके की कि कोई उसके बाद उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। पेश है लाइव 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पड़ी ये महिला तेतुलमारी के वेस्ट मोदीडी की है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि यह इलाके में आकर अवैध कोयला खनन करने वाले माफियाओं का विरोध कर रही थी, जिसके बाद अवैध कोयला तस्करों ने इस महिला की जमकर पिटाई कर दी। इलाके के ही शंकर राय, विक्की राय और सूरज यादव सहित अन्य कोयला तस्करों पर यह आरोप लग रहा है। अवैध कोयला कारोबार का विरोध करने वालों पर फायरिंग की भी सूचना है। दबंगों के हमले से लोग दहशत में हैं। तेतुलमारी पुलिस का इन दबंगों का संरक्षण है, तभी तो पुलिस ने वारदात के बाद पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं की। खींच के इधर नदी के तरफ भागा, चिल्लाई हम लोग आए तो यहाँ देखे लेबर लोग, कौन लिया लेबर लोग भागा यहाँ से। लेबर लोग कहाँ का है ये नहीं मालूम है। ये तो ये लोग विक्की राय सब आवेद माइंस चला रहा है, उसी का कहाँ पर चला रहा है? वेस्ट मोदीडी दफ्तर। यहाँ से कितना दूरी पर? यहाँ से 300 मीटर पे है, 400 मीटर पे। वो मैं कब से चला रहा है? ये करीब चला रहा है 15-20 दिन से। तो अब यहाँ पर का लोग मैं थाना में सूचना दिया? सब दिया हुआ था, गए भी थे थाना सूचना देने। कहिया? परसों। तब कुछ नहीं बोले, ठीक है हम समझा देंगे। हम बोले कि महिला लोग घूमती है इधर आती है। क्या बोला समझा देंगे? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी, हाँ। तब उसके बाद जब हम लोग इसको दौड़ाए, उल्टा थाना वाले आ करके हम लोग को बोले जीप में बैठे चलो। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, घटना हमारे साथ हुआ, उल्टा हमको जीप में कैसे बैठा रहे हैं। तो फिर वो लोग चले गए, फिर ठीक है देखते हैं पता करते हैं। गोली चला है? हाँ गोली चला है। वो लोग जब चढ़ा उधर से, सूरज यादव, राजा राम यादव और राहुल चौहान और करीब था उसके साथ 40-50 लोग, अभी थाना में ही है सिस्टर। तो वो लोग का गोली चलाने वाला कितना आदमी था? 60-70 आदमी। वो कुछ आदमी लोग को हमारे घर के बगल में रखे हुए हैं बाबा। एक मिनट किए, राजेश राय। अच्छा, कहाँ रखे? कोल माइंस चला रहे हैं हमारे घर के बगल, वेस्ट मोदीडी। अच्छा। हाँ, मेरे घर के बगल में CICF कैंप है, उसमें बहुत 100-150 लेबर रह रहा है। हाँ। हम और मेरी ये छोटी वाली नन आकर के हम लोग टहलने निकले दोपहर में। हाँ। आके टहलने थोड़ा सा 10 मिनट टहलने तो टहलने निकले ना, तो लेबर लोग पहले गंदा गंदा बात बोलने लगा। तो हम बोले कि ए तुम लोग फैमिली यहाँ क्वार्टर है, ऐसे कहे बोल रहा है। जब दो लेबर था, फिर तीसरा भी आ गया, बोला कि हम लोग का बॉस कहाँ है, किसी से डरने के लिए अपना बॉस राजेश राय है,
किसी से डरने के लिए नहीं, सो और गंदा गंदा बात बोला और हम लोग को इनको धकेल दिया, ये गिर गए और मेरे गले से चैन छीन के दोनों भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया सिंह है। प्रिया सिंह जी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। हम और मेरी ननद यहाँ थाना में कंप्लेन लिखवाने आए। नहीं लिया कंप्लेन यहाँ नहीं लिए लोग, कोई पकड़ नहीं। ननद का क्या नाम है? जूलसी। क्या बोला? बोले कि यहाँ एडी सर कोई स्टाफ का नाम बोले कि वो नहीं है, जब वो आएंगे तो आपका कंप्लेन ले लिया जाएगा। हम बोले सर कौन बजे आए थे? हो गया एक डेढ़ घंटा पहले, टाइम देख के नहीं आए थे सर। तो नहीं लिया तब? नहीं लिया। फिर डीएसपी मैडम तो वो बोले कि, हम बोले सर हम ले लीजिए, हमको रिसीविंग दे दीजिए, हम घर चले जाएंगे। तो वो लोग नहीं लिए, तो हम बोले कि सर हम तब फिर चले जाए ना डीएसपी मैम के पास, आप लोग कंप्लेन मेरा नहीं ले रहे हैं तो हम चले जाए। तो बोले हाँ जाइए डीएसपी मैडम के पास। तेतुलमारी एरिया में स्थानीय लोगों पर दबंगों के कहर के बाद कोयला चोरी रोकने के लिए बीसीसीएल के महाप्रबंधक ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, लेकिन महाप्रबंधक महोदय को एरिया में कोयला चोरी से बड़ी समस्या डीजल चोरी की दिख रही है और उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी सुनिए महाप्रबंधक क्या कह रहे हैं। सहयोग करके जो कोयला चोरी हो रही थी वो तो इन्होंने काफ़ी कंट्रोल की है। अभी हमारे यहाँ पर डीजल की चोरी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए हमने सहयोग मांगा है। और जो एनक्रोचर्स हैं, अतिक्रमणकारी माइंस एरिया में हैं, उनको हटाने के लिए सहयोग मांगा है। ये दो चीज़ के लिए कहा। इन्होंने भी अपने जो पॉइंट्स थे कि गाड़ियों की उनको थोड़ी दिक्कत है या थाना का रिपेयरिंग करना है, वो सब काम के लिए इन्होंने भी बताया है। यही सर, प्रशासन से क्या कुछ आश्वासन मिला सर? हाँ, प्रशासन से आश्वासन मिला है कि जो है हम पूरा सहयोग करेंगे और हमको मिल भी रहा है और भी ज्यादा ये सहयोग करेंगे, आश्वासन दिया। ये तो सब जानते हैं कि धनबाद में क्या चल रहा है, कोयला और कोयले के काले खेल में सब शामिल हैं। दबंग काले कोयले के लिए यहाँ कभी भी धरती लाल करने से नहीं चुकते। कई बार खूनी खेल हो चुका है, फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। सरकार की सारी व्यवस्था धनबाद में आकर फेल हो जाती है। अब देखना है कि अवैध कोयला का कारोबार करने वाले शंकर राय, विकी राय, सूरज यादव पर बागमारा अनुमंडल पुलिस कप्तान निशा मुर्मू और तेतुलमारी थाना प्रभारी क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ सब काला है। धनबाद से लाइव 7 के लिए कुंदन विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभी अभी आपने देखा कि कैसे एक महिला आरोप लगा रही है कि उसकी सरेआम पिटाई की गई है, घर के बगल में अवैध तरीके से कोयले का डिपो चलाया जा रहा है। यह गंभीर मामला है। जब इस मामले को लेकर महिला और उसके परिजन थाना जाते हैं तो यह साफ हो जाता है कि थाना के संरक्षण में यह काला कारोबार चल रहा है। आखिर कौन है ये सूरज यादव, शंकर राय, विकी राय, इन जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? और पुलिस की जो इतनी बड़ी टीम है जिसमें आम जनता के टैक्स से वसूले गए पैसों को तनख्वाह के रूप में हर साल करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, उन पैसों से क्या सुरक्षा मिल पाती है आम लोगों को? झारखंड का आम व्यक्ति, आम इंसान आखिर कहां जाकर गुहार लगाएगा, किसके पास जाकर गुहार लगाएगा? जब यह रिपोर्ट हमारे पास आई तो हम भी यह सोचने को विवश हो गए कि आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए कोयले के कारोबारी, वो भी अवैध तरीके से काम करने वाले, जिस जब वहां सरपरस्ती के लिए थानेदार होते हैं, थानेदार के ऊपर डीएसपी है, डीएसपी के ऊपर एसपी है, एसपी के ऊपर सीनियर एसपी का पोस्ट क्रिएट किया गया है, डीसी हैं, और उसके बावजूद इस इलाके में कानून का हाल बेहाल है। जी हां, हर मामले को सीनियर एसपी नहीं देख सकते, लेकिन थाने के स्तर से जिस तरीके से मामले को निपटाया जा रहा है, जिस तरीके से मामले को रफा दफा किया जा रहा है, उससे यह साफ जाहिर हो जा रहा है कि या तो थानेदारों को अब अपने उच्च अधिकारियों का खौफ नहीं है, या तो थानेदार सीधे सीधे उच्च अधिकारियों के साथ दबाव बनाने का रसूख रखते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ उनका टाइअप है, लेन देन का मामला है, या छानबीन का विषय है, सरकार छानबीन करेगी। बहरहाल हमारे साथ धनबाद के संवाददाता कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुंदन, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुंदन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
कुंदन के साथ हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, बहुत जल्द हम उनके साथ संपर्क स्थापित करेंगे और इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल धनबाद में अब कोयला चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं रहा। हेलो कुंदन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ गया। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन क्या है पूरा मामला? कुंदन, ये धनबाद से जो ये रिपोर्ट आ जाई है आपकी, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि तेतुलमारी थाना क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई करने वाले अवैध कोयले के कारोबारी हैं। क्या कोयला माफिया धनबाद में इतना हावी हो गए हैं कि अब वो वहां अपना कानून चलाएंगे? कुंदन जी, बिल्कुल बता दें शेख जी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अवैध कारोबार का धनबाद जिले में जिस तरह से अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, उस तरह से आप देख सकते हैं कि महिलाओं का पिटाई हो जाना, महिला को इतना बेतरहमी से पीट देना और उसके बाद वो पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अवैध कोयले के कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग का नाम भी आया सामने, लेकिन प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कह रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। और यहाँ जब आवेदन देने जाते हैं, जब महिला आवेदन देने गई तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम आवेदन लेंगे नहीं, इस पर कोई कार्रवाई होगी। आज वो महिला जिंदगी और मौत के बीच में झेल रही है और आज धनबाद के सरकारी अस्पताल में MMCH में भर्ती है, फिर भी प्रशासन क्यों चुप है, क्यों वहाँ के थानेदार चुप हैं, वहाँ के DSP SSP बड़े अधिकारी? अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या अस्पताल में भर्ती कराने से पहले पुलिस केस नहीं करवाया गया? क्या अस्पतालों ने भी नियम कानून ताक पर रख दिए हैं? जी, जैसे इस तरह जानकारी आ रही है अभी, जहाँ पे MMCH में अस्पताल में भर्ती है वहाँ पे सरायडीला थाना प्रभारी आए, वहाँ पे उनके बयान रिकॉर्ड हुआ है, फिर FIR दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जहाँ पे मामला दर्ज हुआ है, जहाँ पे आपको बता दें अभिषेक, जहाँ मामला दर्ज हुआ, जहाँ तेतुलमारी में अवैध माइंस चल रहा है मोदीडी में, वहाँ पे थाना प्रभारी को आवेदन लेना चाहिए और तुरंत भर में कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे बंटी का नाम आया, बिक्की का नाम आया, सूरज का नाम आया, ये सब जो नामे हैं अवैध कोयले माफियाओं का नाम है, अवैध कोयले में रमे हुए हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, सरकार के कोयले को चोरी करके बेच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिला प्रशासन पे भी क्यों चुप है, जिला प्रशासन कुछ नहीं बोलने पे तैयार है, ये सवाल है बड़ा है और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इलाके में अवैध तरीके से कोयले का डिपो चलाया जा रहा है, कोयले की खरीद बेच की जा रही है, तो क्या थानेदार और DSP वहां, DSP निशा मुर्मू है उस इलाके में, क्या दोनों अनजान हैं? क्या दोनों को जानकारी नहीं इलाके में इतनी भी पकड़ पुलिस पदाधिकारियों को रही कि उनके इलाके में अवैध तरीके से कोयले का डिपो संचालित किया जा रहा और उन्हें जानकारी तक नहीं है? देखिए अभिषेक, बता दे, धनबाद जिले में बागमारा एक क्षेत्र है, बागमारा में जनप्रतिनिधि भी है डुल्लू महतो, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने PC किया, एक बात कहा कि हमें SSP से डर लगता है, SSP झूठे मामले में भी फंसा सकते हैं और अवैध कोयले का कारोबार करवा रहे हैं, यहाँ जिला प्रशासन मिली भगत से ये साफ कह रहे हैं। इस तरह से जैसे दिख रहा है, जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं जिला प्रशासन को लेके, तो आम बात है कि थानेदार को नहीं पता होगा कोयला चोर के बारे में, या वहाँ के स्थानीय DSP निशा मुर्मू को नहीं पता होगा, चाहे यहाँ के SSP साहब को नहीं पता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल पति होगी, आपको बता दें कि जो साठ घाट जो चल रही है ना अभिषेक, पुलिस खाकी खादी और साठ घाट चोरों की एकदम खुलेआम चल रही है। धनबाद में डेली करोड़ों का कोयला चोरी करके यहाँ से बिहार भेजा जाता है, बंगाल भेजा जाता है और उस पैसे से अवैध माइंस खरीदाता है। उसके बाद आपको बता दें जैसे जिस तरीके से अवैध कारोबारी ने गोली चलवाया, बम फेंकते हैं, ये सब पैसे से यही सब होता है। आज देखिए एक राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए कोयले पे विरोध किया तो विरोध कर दिया गया और अवैध कारोबार है वो आराम। ये जो अवैध कारोबारियों में नाम आ रहा है, विक्की राय, शंकर यादव, सूरज यादव, तो क्या इन लोगों के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं? क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है? क्या ये कोयले के नाम चिन्ह चोर रहे हैं?
देखिए आपको बता दें कि एकदम बिल्कुल पहली बार नहीं, इनके पर FIR भी है। आपको बता दें बंटी पे पहले भी FIR दर्ज है कि कुछ मामले में, क्योंकि कोयले का व्यापारी ये लोग लगातार कर रहे हैं। ये सीजन आपको बता दें वैसे कि ये सीजन टू है, सीजन टू चल रहा है। सीजन वन में भी ये लोग पूरे दम करके कमाई किए हैं, अवैध कोयले का राजस्व को करोड़ों का नुकसान दिए हैं। ये सीजन टू है, कुछ दिन हुआ कोयला तो लोगों को लगा के राहत मिली कि अब कोयले का धंधा नहीं होगा, लोग शांति से जिएंगे बस्ती में, रोड पे रात में हम लोग निकल सकते हैं। हाईवा लगातार, पिकअप वैन, ये लगातार अवैध गाड़ियां बड़ी स्पीड से पार होती थी, जो कि बच्चे लोग अगर रात में बाहर निकलते हैं तो उसके रफ्तार में कितने बार चपेट में भी बहुत कोई आ चुके हैं। लेकिन इस तरह से दूसरा सीजन टू जो कोयला चल रहा है ये एकदम साठगांठ के साथ चल रहा है, और जो नामे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यह कोयले की चोरी का सीजन टू चल रहा है, यह फाइनल सीजन है, जमकर उगाही की जाएगी। और इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बिना खाकी और खादी के संरक्षण के कोयले की चोरी इलाके से नहीं हो सकती। कहावत है कि अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर की सीढ़ियों से एक चप्पल तक चोरी नहीं जा सकती, और यहाँ तो यहाँ पूरा धरती का चीना सीना चीर कर पूरे का पूरा खनिज निकाल कर बेचा जा रहा है और सब मौन है। महाप्रबंधक से कही हमने बातें सुनी, CCL के महाप्रबंधक कह रहे हैं कोयले की चोरी से ज्यादा चिंता उन्हें डीजल की चोरी की है। तो महाप्रबंधक साहब थोड़ा जाग जाइए, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कर्मचारियों को भी जगाइए, आपके क्षेत्र में कोयले की चोरी हो रही है, आपके क्षेत्र से कोयले का अवैध डिपो बना दिया गया है। धनबाद के सीनियर SP तक अगर जानकारी नहीं है तो धनबाद के सीनियर SP को जानकारी हो जाए कि तेतुलमारी थाना क्षेत्र में महिलाओं को पीटा गया है बेरहमी से, और महिलाओं का आरोप है कि अवैध कोयले का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जो माफिया हैं, विक्की राय, शंकर राय, सूरज यादव, इन लोगों ने उन पर हमला किया है। बहरहाल बहुत धन्यवाद कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मामले पर नजर बनाए रखिएगा। दर्शकों के लिए कोई नई खबर नहीं रहती है जब धनबाद में कोयला चोरी की बात आती है। दरअसल धनबाद कोयला चोरी के लिए अब झारखंड में इतना रिनाउंड हो गया है कि सारे लोग, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि अच्छा धनबाद में कोयला चोरी होती है, सब लोग जानते हैं कि कोयला चोरी हो रही है। लेकिन कोयला चोरी कीजिए, जितना करना है कीजिए, आम आदमी को इस तरह घर में घुसकर पीटिए मत भाई, आम आदमी की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में आप लोग आम आदमी को रोड पर घसीटकर मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। यहां सरकार और केंद्र सरकार महिला के दावे करती है, महिला सुरक्षा के दावे करती है, सारे दावे सिफर हो जा रहे हैं, सारे दावे जमीन पर पड़े सिसक रहे हैं। न जाने कब इस पर लगाम लगेगा, न जाने कब यह मामला रुकेगा। वो भी मामला धनबाद के उस थाना क्षेत्र का, जहां की DSP खुद एक महिला है, निशा मुर्मू एक महिला है, और उनके रहते महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर धनबाद की कानून व्यवस्था सरकार चला रही है, सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस पदाधिकारी चला रहे हैं, या धनबाद के कोयला माफिया चला रहे हैं।